एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग. वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7. हेलो, नमस्ते, राधे राधे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो अगर आप में से कोई भी है जो इस चैनल पर नया है, अगर चैनल पर नया नहीं है तो आप तो परिवार के सदस्य हो ही, अगर कोई चैनल पर नया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो. यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और साथ ही आप अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा बहुत कुछ अनलिमिटेड चीजें, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज क्विजेज मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे, पावर कैप्सूल्स मिलेंगे, जॉब अलर्ट्स मिलेंगे और साथ में मिलेंगी हमारी कम्युनिटीज. तो शुरू करते हैं हमारे आज का सेशन, देखते हैं कौन बनेगा आज का टॉपर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन. आज का मेन टॉपिक रहेगा इंसेक्ट के एंटीनास. ठीक है, जो इंसेक्ट के एंटीनास होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन इज, इंसेक्ट एंटीना सर्व प्राइमरली एज. इंसेक्ट के एंटीने का प्राइमरी काम क्या होता है? ब्रजेश, चेतक, रेशमी, समृति, शिवी, सोनाली, चेतक, एवरीवन. ओके, सो चेतक लिख रहे हैं सेंसरी होता है और बाकी भी लिख रहे हैं सेंसरी होता है. वेरी नाइस बेटा. सो यस यस यस, आज मैं कुछ डिफरेंट लग रही हूँ. आज मैंने बाल बांधे हैं ना, इसलिए बड़े जमानों बाद मुद्दते व्हाटएवर, मतलब बाल बांधे मैंने इसलिए अलग लग रही हूँ. चलो, सो इंसेक्ट एंटीने का सबसे प्राइमरी वर्क होता है सेंस करने का. ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं. चलो, सेकंड, इन इंसेक्ट व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटीने, बताइए. डिटेक्टिंग साउंड वेव्स, गैदरिंग पोलन, डिटेक्टिंग फेरोमोन्स एंड केमिकल्स या कैप्चरिंग प्रे. थैंक यू शिवी, राधे राधे आकाश, थैंक यू भावना. हाय भावना बोल रही, आज अच्छे लग रहे हो, रोज नहीं लगती मैं अच्छी. चलो चलो जल्दी आंसर बताओ, मैं आंसर्स का वेट कर रही हूँ. हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. सो यहाँ पर हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं और बहुत ही टेढ़े मेढ़े से आंसर्स हैं, बट द राइट आंसर इज सी. ठीक है, जो ए वाले हैं वो भी देख लो बेटा. जो एंटीना होता है जरूर वो साउंड वेव्स को भी डिटेक्ट करता है, नो डाउट. ठीक है, वो पोलन गैदरिंग के लिए भी यूज में आते हैं, नो डाउट. ठीक है, वो प्रे को कैप्चर भी करते हैं, कुछ कुछ इंसेक्ट अपने एंटीने से कैप्चर करते हैं प्रे को. लेकिन जो सबसे प्राइमरी फंक्शन है सेंस करने का, वो क्या सेंस करता है? फेरोमोन्स. ठीक है, फेरोमोन्स कल बताया था आपको क्या होते हैं. कुछ फीमेल सिक्रीशंस होती हैं जो मेल जो इंसेक्ट है उसको अट्रैक्ट करती हैं. ठीक है, सो इनका पहला काम क्या होता है? डिटेक्टिंग फेरोमोन्स एंड केमिकल्स. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंसेक्ट एंटीने इज ट्रू. ये लो, हट जाती हूं, सारी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो. पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है? पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि एक बार इंसेक्ट के एंटीने अगर तो डीजेनरेट हो जाए या टूट जाए, है ना, जैसे हमारी मूछे, हमारी जो इंसानों की मूछे होती है उसको काट देते हैं तो क्या हो जाता है? नई मूछे आ जाती हैं. ठीक है, लेकिन क्या इनकी मूछों को काट दे, मतलब इनके एंटीनास को काट दे तो क्या नए एंटीनास आते हैं बेटा, बताओ. दूसरा, कि जो एंटीना है वो कहां पर होता है? वो एब्डोमेन में होता है, इंसेक्ट के एब्डोमेन में. ये तो बिल्कुल गलत है, हेड में होता है. देन थर्ड, एंटीना आर प्राइमरली यूज्ड फॉर हियरिंग. एंटीना जो है वो किसके लिए यूज होता है? सुनने के लिए यूज होता है प्राइमरली. अभी अभी बताया था कि क्या होता है प्राइमरली, किसके लिए होता है? प्राइमरली होता है आपका सेंस ऑर्गन या फेरोमोन्स को डिटेक्ट करने के लिए. सो यहाँ राइट आंसर आप सबने सही दे दिया है, इट्स डी. तो जो एंटीने होते हैं बेटा वो शेप और साइज में अलग अलग होते हैं अलग अलग इंसेक्ट स्पीशीज में, अदरवाइज ये फिर से रीजनरेट नहीं हो सकते. ठीक है, ये इंसेक्ट के हेड में प्रेजेंट होते हैं और ये हियरिंग के लिए नहीं, सेंसिंग के लिए या आपके फेरोमोन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं. सो द राइट आंसर इज 4B. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द इंसेक्ट एंटीना विच कनेक्ट्स इट टू द हेड इज कॉल्ड एज. तो बेटा एंटीने का जो सबसे बेस वाला, सबसे पहले वाला या सबसे बेसिक वाला जो पार्ट होता है जो हेड से जुड़ा होता है. अब देखो ये हेड है इंसेक्ट का,
है ना, ये हेड है इंसेक्ट का, अब यहां से जुड़ा होता है, तो यहां से जो पहला वाला सेगमेंट है उसको क्या बोला जाता है? वेरी नाइस आकाश, योगेंद्र, वेरी नाइस ओके ब्रजेश, इट इज स्केप। ठीक है, क्या बोला जाता है? स्केप बोला जाता है। अब हम यहां पर देखते हैं बेटा, ये है एंटीना का स्ट्रक्चर। क्या है ये? इंसेक्ट की जो मूछे होती है आगे को, जैसे कॉकरोच के बड़ी बड़ी मूछे दिखती हैं, उसका स्ट्रक्चर है ये। तो मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा, ये हेड है, ठीक है, ये हेड है, इससे जो पहला जुड़ा हुआ है बेस वाला उसको स्केप बोलते हैं, उससे नेक्स्ट वाला जो है उसको सेगमेंट को बोलते हैं पेडिसिल। ठीक है, जो थर्ड वाला होता है वो होता है फ्लैजिलम, जो इन सबसे मिलकर जो है बना है, इन सबसे मिलकर फ्लैजिलम बना है। तो ये है इंसेक्ट के एंटीने का स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, सो यहां पर पूछा गया था आपसे कि ऐसा स्ट्रक्चर बेटा जो इंसेक्ट के एंटीना का बेस है, जो सबसे पहला है जो कनेक्ट होता है हेड से, तो उसको स्केप बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन इज, इंसेक्ट एंटीना कैन डिटेक्ट, जो इंसेक्ट का एंटीना होता है बेटा वो क्या क्या डिटेक्ट कर लेता है? ठीक है, क्या क्या डिटेक्ट कर सकता है? यस आकाश, वेरी नाइस, योर जॉनसन, जॉनसन जो ऑर्गन है वो पेडिसिल में प्रेजेंट होता है और वो होता है एक मास ऑफ सेल, जो कि हम आज उड़ान के फाउंडेशन बैच में कर चुके हैं, है ना। ओके, सो इंसेक्ट एंटीना लाइट और कलर को डिटेक्ट करता है, वाइब्रेशन एंड साउंड वेव को, विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन को, या ये सब को, इन सब को ही जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। तो बेटा जितने भी आपदा विपदा जो भी ऐसा कुछ होता है, भूकंप आता है, तो इंसेक्ट्स को पहले ही पता चल जाता है। इंसेक्ट का जो एंटीना है उसके सेंसरी ऑर्गन्स बहुत ज्यादा तेज होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसेक्ट हेड हाउसेज वेरियस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग, तो बेटा जो इंसेक्ट का हेड होता है उसमें क्या क्या आता है? क्या उसमें एंटीना, माउथ पार्ट्स और कंपाउंड आईज आती है, या विंग्स, लेग्स एंड ओविपोजिटर आता है, या क्रॉप, एंटीने एंड सिंपल आईज आती है, या माउथ पार्ट्स, विंग्स एंड सिंपल आईज आती है? वेरी नाइस, सो भावना, अंकित, चेतक, दामिनी को लिख रही अब नहीं करूंगी, ठीक है, वेरी नाइस, तो सबने यहां पर सही आंसर कर दिया है। इंसेक्ट के हेड में एंटीना होता है, माउथ पार्ट्स होते हैं और कंपाउंड आईज होती हैं, जबकि विंग्स कहां पे होते हैं बेटा, कौन बताएगा कहां होते हैं विंग्स? शाबाश, यस चेतक, एंटीना, माउथ पार्ट्स एंड कंपाउंड आईज। तो जो इंसेक्ट की बड़ी बड़ी वाली आईज होती हैं वो तो होती है कंपाउंड आईज, जो हेड में ही प्रेजेंट होती है। देन यहां पर जो माउथ पार्ट्स हैं आपके, मैग्जिला, मैंडिबल, वो सब भी हेड में ही होते हैं, कंपाउंड आईज भी हेड में होती है, लेकिन विंग्स कहां होते हैं? शाबाश, थोरेक्स में होते हैं, और थोरेक्स में भी कौन से सेगमेंट में होते हैं बेटा? मैंने आपको बताया है जो आपके विंग्स होते हैं इंसेक्ट के वो कहां पर होते हैं? मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। वेरी नाइस परिष्ठा, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, भूमिका भी बिल्कुल सही मृत्युंजय। तो हां जी, तो ये सेकंड का जो विंग्स है वो आ गया आपका मीजो एंड मेटाथोरेक्स में। कहां पर? मीजो एंड मेटाथोरेक्स, ये थोरेक्स है, प्रो, मीजो, मेटा, तो यहां पर होते हैं प्रेजेंट। अब लेग्स कहां होती है? लेग्स कहां प्रेजेंट होती हैं? शाबाश, बताओ, जो इंसेक्ट की थ्री पेयर ऑफ लेग्स होती है वो कहां पर होती है? यस शुभम, वेरी नाइस बेटा, प्रो में नहीं होता है। और एक और बात मैं बता दूं आपको, देखो आप सब आंसर कर रहे हो, वेरी नाइस, लेकिन कभी कभी मेरा ध्यान इधर, मेरा ध्यान पढ़ाने पे ज्यादा होना चाहिए ना, तो मुझसे कुछ स्किप हो जाते हैं किसी के, तो यहां पे मत बोलोगे मैं भी आंसर कर रही हूं, ठीक है, यहां पे हम पढ़ने पे ध्यान देते हैं, ठीक है। चलो, सो लेग्स कहां पर होती है? थोरेक्स पे, ओके, और आपका जो क्रॉप, क्रॉप बताएगा कोई, क्रॉप कहां होता है? क्रॉप क्या होता है? फसल वाला क्रॉप नहीं है ये, क्रॉप जो है इंसेक्ट का बॉडी पार्ट है, क्रॉप बताओ, आपको अभी मैंने फाउंडेशन में उड़ान में बचाया था, शाबाश, बताओ क्रॉप कहां होता है बेटा? एब्डोमेन में होता है, ठीक है, यहां पर सारा खाना स्टोर होता है, तो जब गट के बारे में हम पढ़ेंगे तब ये आएगा। सिंपल आईज तो आपकी चलो हेड में होती है, एंटीना भी आपका हेड में होता है, माउथ पार्ट्स भी होते हैं, लेकिन यहां पर ये विंग्स जो हैं वो थोरेक्स में होते हैं, तो सही आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द आईज ऑफ मोस्ट इंसेक्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस इंडिविजुअल विजुअल यूनिट्स कॉल्ड. तो बेटा जो इंसेक्ट की आईज है वो किस यूनिट से मिलकर बनी होती है, चलो बताओ. क्या उन यूनिट्स को ओमेटिडिया बोला जाता है, कंपाउंड आईज बोला जाता है, फैकेट्स बोला जाता है, या फोटो रिसेप्टर्स बोला जाता है? वेरी नाइस दिव्या, गिजार्ड से पहले ठीक है क्रॉप आता है उसको पढ़ेंगे हम. सो वेरी नाइस आकाश, इट इज योर ओमेटिडिया. ठीक है, ये होता है जहां से पूरी आईज बनती है. ठीक है, जिसको नहीं आता था वो एनालाइज कर लेना. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंसेक्ट माउथ पार्ट्स. तो आज तक हम इतने सारे इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स कर रहे थे, ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है माउथ पार्ट. रिन्यूअल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी की स्टडी करना है, एग्जाम है कल. ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ लो अच्छे से, एग्जाम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. ठीक है, ये रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना. ओके चलो जल्दी से आंसर बताओ. वेरी नाइस, सो आकाश, दामिनी, चेतक, भावना, सो इट इज स्टिंगिंग माउथ पार्ट. स्टिंगिंग माउथ पार्ट कुछ नहीं होते हैं, जबकि सिफोनिंग बताओ, च्यूइंग और बाइटिंग तो पता है हमें. ठीक है, आपके लोकस्ट है, बीटल्स है, उसके बाद पियर्सिंग एंड सकिंग भी पता है जी, बग्स होते हैं. ठीक है, स्टिंगिंग कुछ नहीं होता है. आप बताओ सिफोंगिंग किस में होते हैं, सिफोनिंग किस में होते हैं? शाबाश, बताओ किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रशांता, पुष्पेंद्रा, सुनैना, वेरी नाइस बेटा, लक्ष्मण, गीतिका, विशु का भी पेपर है बटरफ्लाई में, है ना. चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैंडिबल्स ऑफ इंसेक्ट आर प्राइमरली यूज्ड फॉर, बेटा जो इंसेक्ट में मैंडिबल होता है वो किसके लिए यूज होता है? च्यूइंग एंड कटिंग फूड, ड्रिंकिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, पियर्सिंग एंड सकिंग ब्लड, या स्टिंगिंग प्रीडेटर्स? बताइए जो इंसेक्ट जाए वो ए, आपस में बात मत करो. तो आकाश ने यहां पर आंसर कर दिया है भाई, ए सबसे पहले, देन चेतक, राजेश, हंसा, रानी, वेरी नाइस बेटा. जो मैंडिबल्स होते हैं वो ट्रू जॉज होते हैं, प्राइमरी जॉज होते हैं, जबड़े होते हैं, और यही मैंडिबल्स जो हैं वो क्या करते हैं, खाने को चबाने या उसको कट करने के काम आते हैं. ठीक है, तो मैंडिबल का पहला फंक्शन, प्राइमरली फंक्शन है फूड को चबाना, उसको कट करना. ठीक है, वेरी नाइस. ओके नेक्स्ट, द रीजन बिटवीन एन इंसेक्ट्स कंपाउंड आईज वेयर द एंटीने आर अटैच्ड इज कॉल्ड एज. जल्दी से बता दो बेटा वो रीजन, ठीक है, बिटवीन एन इंसेक्ट कंपाउंड, ये कंपाउंड आई है इसके बीच का रीजन, वेयर द एंटीने आर अटैच, जहां पर एंटीने भी अटैच हो रखे हैं, वो कौन सा रीजन है? आकाश चौधरी, वेरी नाइस बेटा, इट इज फ्रॉन्स. ठीक है, तो ये वाला जो ट्रायंगुलर रीजन होता है ना, यहाँ पे एंटीने होंगे, ये वाला ट्रायंगुलर रीजन जो है बीच वाला, कंपाउंड आईज के बीच में बोला है. अगर बेटा बिलो बोला होता ना कि कंपाउंड आई के बिलो क्या है, तो वो जीना होता, जैना होता. ठीक है, तो बेटा ये आपकी कंपाउंड आईज होती है, यहाँ आपकी सिंपल आईज होती है, ये जो गाल है, ये जो पुष्पा वाला गाल है, ये जीना है, और जो बीच का जितना भी ये वाला एरिया बचा, ये क्या है बेटा, फ्रॉन्स है. ठीक है, सो द राइट आंसर इज फ्रॉन्स. ओके, जो सूचर है बेटा वो तो सिर्फ पतली सी लाइन है. ठीक है, जो पार्ट, जो रीजन पूछा है वो फ्रॉन्स है. ठीक है, चलो ओके नेक्स्ट. पब्लिकेशन ऑफ द बुक बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड्स, तो बता दो ये बुक है आपकी बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट. ठीक है बेटा, एंटीना से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंटीना से रिलेटेड ही इतनी देर से कर रहे हैं. एग्री इंडियन, ठीक है जी, आप लेट तो नहीं ज्वाइन किए, बहुत सारे हमने एंटीना से रिलेटेड क्वेश्चन किए. चलो जल्दी से बता दो. नहीं, उस पिक्चर्स के ऊपर नहीं जाना है, जैना नहीं है वो. ठीक है मैम, एंटोमोलॉजी याद ही नहीं होता, कोई आइडिया दीजिए प्लीज. बेटा एंटोमोलॉजी याद करने का तो बेटा एक ही आइडिया है, रिवीजन. और रिवीजन आप अच्छे से कब कर पाओगे, जब आपके पास अच्छे नोट्स बने होंगे. ठीक है, तो आप उड़ान का फाउंडेशन बैच वालों से पूछ सकते हो कि हम कितने अच्छे से नोट्स बनाते हैं, और अगले दिन जब मैं एमसीक्यूज लेकर आती हूं तो वो सारे उसका आंसर करते हैं. यहां पर उड़ान के फाउंडेशन बैच का कोई भी ऐसा
नहीं है, जिसको वो जो मैं पिछला लेक्चर कराती हूँ या दो दिन पहले का कराती हूँ वो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, उनको नहीं आता है, क्योंकि एंटोमोलॉजी का एक ही समाधान है, वो है रिवीजन। ठीक है, और रिवीजन अच्छा होगा जब नोट्स अच्छे होंगे, जब आप हर बुक पे हाथ मारोगे, कभी यहां से पढ़ा कभी वहां से पढ़ा, और तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको एक प्रॉपर नोट्स की जरूरत है। ठीक है, जो हैंडमेड होंगे, और मैं अपने फाउंडेशन क्लास के बच्चों से हैंड रिटन नोट्स बनवाती हूँ, जो जल्दी आपके रिवाइज करने में जो है काम आए। वेरी नाइस प्रशांता, दिव्या, आरएच पेंटर ने रेजिस्टेंस दिया था। शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं बेटा, Y781A यूज करके आप उड़ान के फाउंडेशन बैच में आ जाओ, है ना, क्योंकि अगर मैं सारी ट्रिक्स आपको ही बता दूंगी तो जो मेरे बेचारे अडॉप्टेड बच्चे हैं उड़ान फाउंडेशन बैच के, मेरे स्पेशल बच्चे, उनमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा, है ना, तो जल्दी से आओ। चलो ओके, सो ओके, एग्जाम है तुम्हारा, एग्जाम है यूपी कैटेट का, ओके पता नहीं सच में भागे कि नहीं, चलो यार बातों में मत डाला करो मुझे, यहां पर आपका सही आंसर है पॉल दी बैक। ठीक है, इन्होंने जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड्स दिया था। ठीक है, उसके बाद आरएच पिंटर ने क्या दिया था, रेजिस्टेंस दी थी, और किर्बी क्या है, फादर है एंटोमोलॉजी के। अब मुझे बताइए आप कि बायोलॉजिकल कंट्रोल की यहां पे बात हो रही है, कोई मुझे एग्जाम्पल बताएगा कि बायोलॉजिकल कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं बेटा, ऐसे कौन से मेथड है जिनसे बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है पेस्ट का। तब तक जो है रानी बोल रही बहुत ही अच्छे से मैम नोट्स प्रिपेयर करवाती हैं, थैंक यू सो मच। चलो मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन निकालती हूँ, आप आंसर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट, जल्दी से बता दीजिए कहां पर है। किसी का गलत, रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं यार, रॉन्ग हो गया। धीरज बोल रहे कुछ दान दे दिया करो मैम, अच्छा इतना सारा दान ही है भाई, दान ही है, दान ही चल रहा है यहाँ पे। चलो बता दीजिए, ट्राइकोग्रामा, ओके, प्रीडेटर यूज करके, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, लेडी बर्ड बीटल, ओके, तो परिष्ठा ने यहाँ पर आंसर भी कर दिया है, इट इज न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में है आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का नेशनल सेंटर। द टर्म इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वॉज क्वाइंड बाय, ये जो टर्म है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये किसने क्वाइन की थी, शाबाश जल्दी से बता दो किसने क्वाइन की थी, क्या वो बार्लेट ने की थी, एल्कर ने की थी, फ्रेले ने की थी, या आरएच पेंटर ने की थी। ओके, रश्मि, पुष्पेंद्र, अंकित, इस बार सबका सही है, और जो रिवीजन वाले क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो बायोलॉजिकल की मैं बात कर रही थी, बायो जहां पे जुड़ जाए बेटा, बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके कंट्रोल करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे लेडी बर्ड बीटल है, प्रीडेटर्स होते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, कल्चरल कंट्रोल की हम बात करें तो जैसे क्रॉप रोटेशन है, ठीक है, जब हम कल्टीवेशन कर रहे हैं क्रॉप्स की, उस टाइम पर हम कुछ कंट्रोल मेजर्स कर रहे हैं, उसको कल्चरल कंट्रोल बोलते हैं। उसके बाद एक फिजिकल मेथड होता है, और फिर केमिकल मेथड आता है, तो ये सारे मेथड्स को कंबाइन करके बनता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जहां पर केमिकल या पेस्टिसाइड्स का कम से कम यूज होता है। अब आपको मुझे बताना है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किसने दिया था, जो आप बता चुके हो, इट इज बार्लेट, वेरी नाइस, यस, नेचुरल एनिमीज के आधार पर करते हैं, शाबाश सनी। ओके, नेक्स्ट इज, ट्रेड नेम ऑफ डाइमिथोएट इज, मैंने आपको बताया था एंटोमोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, एक तो मेजर इंसेक्ट पेस्ट है, मॉर्फोलॉजी तो ठीक है कर ली तो कर ली, लेकिन मेजर पोर्शन जो है वो आपका पेस्टिसाइड्स का और इंसेक्ट पेस्ट का आता है, और स्टोरेज पेस्ट का आता है। ठीक है, तो बेटा ये थ्री थिंग्स है आपकी, थ्री थिंग्स तीन चीजें हैं। पहला, आपको एंटोमोलॉजी में ट्रेड नेम्स पे प्रैक्टिस करना है, ट्रेड नेम्स। दूसरा, जो आपके मेजर इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, जो क्रिप्को का एग्जाम दे रहे हैं उनको भी मैं एंटोमोलॉजी के लिए बता देती हूँ, ट्रेड नेम्स होते हैं, मेजर इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, और तीसरी चीज है स्टोरेज पेस्ट, उनसे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं स्टोरेज पेस्ट। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंस में आता है आपका मॉर्फोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है बेटा माउथ के पार्ट्स, ओके, माउथ के पार्ट्स और कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं वो। ठीक है जी, ये है आपका सारा एंटो,
इसी में सिमट जाता है। क्या सिमट जाता है? आपका ट्रेड नेम, मेजर इंसेक्ट पेस्ट, जो कि हम करने वाले हैं फोकस उस पे भी, स्टोरेज पेस्ट। ऐसा करती हूँ, कल मैं ट्रेड नेम, स्टोरेज पेस्ट और मेजर इंसेक्ट पेस्ट के क्वेश्चन लेकर आऊंगी, ठीक है? अब क्योंकि मुझे ऐसा था कि शुरू में मैं मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी बता दूं तुम्हें इंसेक्ट की बारी बारी से, हेड के बारे में, एंटीना के बारे में, लेकिन अब एक एग्जाम पास आ रहा है तो मैंने क्रिप्को के बच्चों के साथ प्रॉमिस किया है कि मैं उनको जो है एंटो और ब्रीडिंग के क्वेश्चंस जो है वो करवाऊंगी, तो कल हमारी स्पेशल क्लास रहेगी, ठीक है? चलो, सो यहां पर जो है हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं। इट इज योर रॉगर, ठीक है? चलो, नाउ नीला पर्वतालूजन्स, ये सब लोग जो हैं उत्तराखंड एग्जाम की भी प्रिपरेशन करवाओ मैम। देखो बेटा, मैं इतना बोलती हूँ, सबसे बोलती हूँ कि एंटोमोलॉजी जो है वो आपकी एमपीआरएओ में जाके बदल नहीं जाएगी, एएफओ में जाके बदल नहीं जाएगी। एंटोमोलॉजी के फादर भी वही रहेंगे, मेजर पेस्ट भी वही रहेंगे, ट्रेड नेम भी वही रहेंगे। तो बिल्कुल एग्जाम के नाम से तुम सब्जेक्ट्स को क्लासीफाई बिल्कुल मत किया करो। तुम्हें एंटोमोलॉजी पढ़नी है तो तुम्हें सारे मेजर पेस्ट आने चाहिए, ट्रेड नेम्स आने चाहिए, ठीक है? ये सबके लिए है, ये ऑल एग्जाम्स के लिए है, ठीक है? बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। चलो, हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं। वेरी नाइस बच्चों, इट इज ब्राउन प्लांट हॉपर, ठीक है, इसका ये नाम है। देन नेक्स्ट इज केमिकली काइटिन इज, शाबाश, ये आपको याद करना है क्योंकि जो इंसेक्ट का बाहरी ढांचा है, जो इंसेक्ट का मेन चीज है एक्सोस्केलेटन, वो बना होता है काइटिन से और प्रोटीन से, है ना? काइटिन से और प्रोटीन से। तो शाबाश, काइटिन क्या है? यस, देखो एग्री इंडियन बोल रहे क्वेश्चन लेवल इज डिफरेंट, पर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी लेवल, चाहे वो मॉर्फोलॉजी हो, चाहे वो इंसेक्ट पेस्ट हो, चाहे वो ट्रेड नेम हो, आपका लेवल जो है वो वही रहना चाहिए, ठीक है? आपको अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ना है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ऐसे सोचो कि पढ़ डालना है बस। चलो, सिलेक्टिव ठीक है पढ़ो, लेकिन इतना भी सिलेक्टिव मत पढ़ो कि छोड़ ही दो सब कुछ। ओके, वेरी नाइस बेटा, इट इज दिव्या पंडित, वेरी नाइस, इट इज पॉलीसेकेराइड, और वो भी नाइट्रोजीनस पॉलीसेकेराइड। अच्छा, अब मुझे बताओ किस किस को याद है, कल हमने डिस्कस किया था, राइट द नेम ऑफ टैंड प्रोटीन, मुझे एग्जाम्पल दो टैंड प्रोटीन का, देखते हैं किस किस को याद है। जो टैंड प्रोटीन का एग्जाम्पल दे देगा उसके बाद दो अनटैंड प्रोटीन का। तो बेटा, जो इंसेक्ट की बाहरी ढांचा होता है वो काइटिन और प्रोटीन से मिलके बना होता है, जहां पे काइटिन जो है वो तो है नाइट्रोजीनियस पॉलीसेकेराइड। जो प्रोटीन है वो तीन अलग अलग प्रकार की होती है, पहली है टैंड, दूसरी है अनटैंड और तीसरी है रबर वाली। सो शाबाश बच्चों, शाबाश। तो फाउंडेशन क्लास के बच्चों ने यहां नाम रोशन किया है, आकाश, शिवा, विशु, राजेश, संध्या। सो जो टैंड वाली है वो कैसी है बेटा? स्क्लेरोटिन है, स्क्लेरोटिन, ठीक है? और जो अनटैंड वाली है वो है आर्थ्रोपोडिन। अच्छा, ये जो रबर वाली है, जो इलास्टिक, जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो इंसेक्ट इतने फ्लेक्सिबल होते हैं वो इलास्टिक प्रोटीन से होते हैं। शाबाश, बताओ इलास्टिक प्रोटीन का एग्जाम्पल बताओ। जिनको नहीं आता था वो लिख लो कि टैंड प्रोटीन स्क्लेरोटिन होती है, ठीक है, अनटैंड प्रोटीन आर्थ्रोपोडिन होती है। और विशु चौधरी, वेरी नाइस, इट इज रेजिलिन, ठीक है? रेजिलिन जो है वो आपकी आर फॉर रबर, और रबर होती है इलास्टिक फ्लेक्सिबल, तो ये जो रबर है ये आर फॉर रेजिलिन प्रोटीन है, ठीक है, इलास्टिक वाली। अब मुझे बताओ कलर्ड वाली, जो कलर्ड वाली क्यूटिकल है वो कौन सी है? शाबाश, कलर्ड क्यूटिकल, एक कलरलेस हमने कल डिस्कस किया था, आज बताओ कलर्ड क्यूटिकल कौन सी है। हमने पढ़ा था बेटा कि क्यूटिकल जो होता है उसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? प्रो क्यूटिकल और एपी क्यूटिकल, एपी क्यूटिकल। फिर हमने पढ़ा था जो प्रो क्यूटिकल है वो भी आगे दो हिस्सों में, सेगमेंट में डिवाइड है, दो पार्ट्स, लेयर्स में डिवाइड है, दैट इज एक्सो क्यूटिकल एंड एंडो क्यूटिकल। एक्सो मतलब बाहर वाली, एंडो मतलब अंदर वाली। तो कलर्ड वाली कौन सी है? एक्सो है, शाबाश। सो जो आपका एक्सो क्यूटिकल है वो कलर्ड वाली है, ओके, ठीक है।
सो लेट मी अनाउंस, अनाउंसमेंट करने दो यार, ऐसे आ जाओगे? ठीक है ठीक है, तो बच्चों दिल थाम के बैठिए, आपके सामने आ रहे हैं आगाज बैच के एकलौते आकाश वाजपेयी, तालियां। मैं एक इन्फॉर्मेशन देने आ रहा हूँ। बहुत बड़ा अच्छा किया आपने। मैं अपने परिवार में ऐसे स्वागत करती हूँ। हाँ, तो तभी आपके परिवार के कुछ बच्चों से बातचीत करने आया हूँ कि आज आपकी जो रात को 8 बजे क्लास होगी, तो उसमें प्रीवियस ईयर पेपर में करवाने वाला हूँ क्रिफको के लेकर। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्रिफको के एग्जाम को देने वाले हैं, ठीक है, या अपनी पूरी तैयारी को आप चेक करना चाहते हैं, तो आज 2 घंटे के आसपास की वो पूरी क्लास होगी, जिसमें पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि पेपर कैसा आता है, और प्लस जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको पूरा डिस्कस कराने वाला हूँ। तो बहुत बेहतरीन तरीके से रात को 8 वाली क्लास में टाइम से आइएगा। और मैं एक और बात कहता हूँ कि टाइम से इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में लगातार तेजी से क्वेश्चन करवाऊंगा और उनकी जो चीजें हैं उनको समझाऊंगा। टाइम से रात को 8 बजे आगाज क्लास में आइएगा, ठीक है, और अभी से उसको लाइक बटन में प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। ये कह रहे आवाज नहीं आ रही है, अब मैं उनके पास माइक है, ठीक है, ओके। तो आप, मैं बता देना एक बार कि आपको 8 वाली क्लास में आवाज आ ठीक है जाएगी, ओके। अपना ख्याल रखना और सेशन को लाइक जरूर कर दिया। समझने वाले समझ गए जो ना समझे। हाँ, समझने वाले समझ गए कि आगाज बैच में जो है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। आकाश सर, रात को 8 बजे जो आगाज क्लास होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फास्ट रिवीजन करवाने वाले हैं, ठीक है, तो उस क्लास में जरूर जाइएगा, आपका बहुत भला होएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी क्यूटिकल पे, ठीक है। यस, फादर ऑफ आगाज, ठीक है जी। ओके, हाँ जी हाँ जी। सर आराम से करवाइएगा, बहुत फास्ट नहीं बेटा, जितना फास्ट होगा उतने तुम्हें ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। तो मैंने आपको बोला था कि एक्सो होता है, एक एंडो होता है, तो मैंने क्या बताया था बेटा, एक्सो का मतलब होता है बाहर वाला, है ना, बाहर वाली लेयर। तो जैसे आपकी स्किन की बाहर वाली लेयर होती है, जब आप धूप में जाते हो तो आपको टैनिंग हो जाती है ना, बाहर वाली लेयर जब धूप में जाओगे तो टैनिंग हो जाएगी, काले पड़ जाओगे, डार्क हो जाओगे। तो वैसे ही जो एक्सो क्यूटिकल है, जो बाहर वाली क्यूटिकल है जिसमें टैंड प्रोटीन प्रेजेंट है, स्क्लेरोटिन, उसकी वजह से जो आपका क्यूटिकल होता है बेटा वो कैसा होता है, डार्क इन कलर होता है। क्यों डार्क इन कलर होता है? क्योंकि उसमें टैंड प्रोटीन प्रेजेंट है। और जो एंडो क्यूटिकल है, जो एंडो अंदर वाला, एंडो मतलब अंदर वाला, तो जो एंडो क्यूटिकल है बेटा उसमें अनटैंड प्रोटीन प्रेजेंट होती है, आर्थ्रोपोडिन, इसीलिए वो कलरलेस होती है। सो मिस्टर अंकित, आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, धन्यवाद। चलो आगे। हां जी, और बाकी आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने का इतना शौक है, आप मेरे फाउंडेशन बैच में शौक से आइए, आपको वहां पढ़ाया जाएगा। और जिस एग्जाम को जो जरूरत है हम वही देते हैं, जिस स्टूडेंट को जैसी जरूरत है हम वही देते हैं, ठीक है, ओके जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉकरोच विच टाइप ऑफ हेड पोजीशन इज ऑब्जर्व्ड? तो जल्दी से कोई भी आंसर गलत नहीं करेगा, जल्दी से बता दो कॉकरोच में जो है कौन सी हेड पोजीशन होती है। गनेथस का मतलब क्या बताया था आपको? गनेथस का मतलब बताया था जॉ, जबड़ा, ठीक है। ये जो गनेथस है इसका मतलब है जॉ। अब प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है आगे, ठीक है। हाइपो का मतलब होता है नीचे, और ओपिस्थो का मतलब होता है बिहाइंड, यानी पीछे, ठीक है, आगे पीछे नीचे। अब देखो, जब हॉरिजॉन्टल आगे को मुंह बढ़ रहा होगा, ऐसे आगे को मुंह बढ़ रहा होगा हॉरिजॉन्टली, तो वो क्या होता है बेटा? प्रोगनेथस होता है। अगर वर्टिकली लंबा सा, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ को जा रहा होगा मुंह, दैट इज योर क्या? दैट इज योर हाइपोगनेथस। और अगर पीछे की तरफ को जा रहा होगा, ये देखो ये हेड की पोजिशन कैसी है, पीछे की तरफ को है, तो वो ऑफिस्थो है, ठीक है। तो यहां पर मैंने कॉकरोच का पूछा है, कॉकरोच का क्या होता है? हाइपोगिनेथस। चलो, वेरी नाइस बच्चों, येलो स्टिकी ट्रैप्स आर यूज्ड एफिड्स के लिए, थ्रिप्स के लिए, व्हाइट फ्लाई के लिए, या बोथ 1 एंड 3? पहले ये बता दीजिए, फिर बताइए कि थ्रिप्स के लिए कौन से स्टिकी ट्रैप्स होते हैं। दोनों चीजें मैं बता चुकी हूं, शाबाश, देख लो भाई, देख लो इधर दिव्या, प्राउड ऑफ यू। तो मेरे फाउंडेशन क्लास के बच्चों को सारे एग्जाम्पल आते हैं यार, देखो इधर चैट में देखो जरा, भर भर के एग्जाम्पल लिख रहे हैं, क्योंकि इनको एग्जाम्पल मिल चुके हैं, ये 2 दिन पहले ये पढ़ चुके हैं। अगर आप भी मेरी फाउंडेशन क्लास उड़ान में आए होते तो आपको, आपके पास ये सब होता, ठीक
ठीक है, वेरी नाइस. सो थ्रिप्स के लिए आपका क्या होता है, ब्लू ट्रैप्स होते हैं. चलो जी, ओके नेक्स्ट. अब हम फास्ट फास्ट चलेंगे थोड़ा सा. एन इंसेक्ट यूज्ड एज सी ट्रीटमेंट फॉर सकिंग पेस्ट. सकिंग पेस्ट के लिए सी ट्रीटमेंट, जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन है ये. सो द राइट आंसर इज इमिडाक्लोप्रिड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सकिंग पेस्ट. सकिंग पेस्ट इनमें से कौन से हैं भाई, सारे के सारे हैं. एफिड्स, मिलीबग्स, व्हाइट फ्लाई, ये सब के सब जो है सकिंग पेस्ट है. ये प्लांट से सैप को सक करते हैं. अब बैसिलस थुरिंजियंसिस जो है वो मार्केट में आपका डाइपल, डेल्फिन, थुरिसाइड तीनों नाम से मिलता है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो ऐसे हक्के बक्के मत हो जाना, ये रिवीजन क्वेश्चन है, ये इतने ही फास्ट तरीके से चलेंगे. आपको ये याद दिलाने के लिए कि पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा, वो है ये. ठीक है, सो बैगिंग ऑफ फ्रूट इज रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ अनार बटरफ्लाई. ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रोमेडियोलोन इज एन इफेक्टिव. क्या होता है इफेक्टिव, रोडेंटिसाइड होता है. ठीक है, सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, हैदराबाद में है. ओके नेक्स्ट, सर्विक्स कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है, हेड और प्रोथोरेक्स के बीच में. सर्विक्स इज लाइक गर्दन ऑफ द इंसेक्ट. ठीक है, नेक ऑफ द इंसेक्ट. विच इंसेक्ट इज अ मेजर पेस्ट ऑफ राइस क्रॉप, विच डैमेज द लीव्स एंड स्टेम्स. जो बेटा लीव्स और स्टेम्स को डैमेज करता है राइस में, वो है आपका राइस लीव फोल्डर. द वर्ड जो आर्थ्रोपोडा वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुआ है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट हैज अ मेन फंक्शन ऑफ रेस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन, एब्डोमेन में होता है. सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. आउट ऑफ 29 इंसेक्ट ऑर्डर, कितने ऑर्डर जो है एप्टेरिगोटा में है जिनके विंग्स नहीं होते हैं, ये है 4 ऑर्डर्स. चलो, सिंपल आईज को क्या बोलते हैं, इंसेक्ट की सिंपल आईज को ऑसिली भी बोला जाता है. उसके बाद कौन सा फॉलोइंग ऑर्डर जो है एक्सोप्टेरिगोटा में जो है वो बिलोंग करता है. ठीक है, एक्सो मतलब जिसके विंग्स बाहर से निकले हैं. ठीक है, तो ऑर्थोप्टरा और आपका हेमिप्टरा दोनों के दोनों. फ्रंट विंग्स ऑफ ग्रास हॉपर को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है टेगमीना. सो सब देखते रहो कि क्या तुमने कल एनालाइज किया है, क्या तुम्हें सब कुछ आ रहा है. मेटामॉर्फिसिस इज कंप्लीट इन एंडोप्टेरिगोटा में, मेटामॉर्फिसिस कंप्लीट होती है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डजंट बिलोंग टू एंडोप्टेरिगोटा, कौन सा नहीं आता है, तो हेमिप्टरा नहीं आता है, ये एक्सोप्टेरिगोटा है. देन एंटीने आर एबसेंट इन, एंटीने इनमें से किसमें एबसेंट होते हैं, इन सब में भी एबसेंट होते हैं, तभी इनको अलग क्लास में डाला गया है जो कि है अरेक्निडा. ठीक है, नेक्स्ट. इंसेक्ट बॉडी डिवाइड इनटू सीरीज ऑफ सक्सेसिव रिंग्स, जिनको ये सब कुछ बोला जाता है, सेगमेंट, सोमाइट्स, मेटामेयर, ये तीनों ही बोला जाता है. नाउ टोटल रीजन इन इंसेक्ट बॉडी इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज, उसको क्या बोला जाता है, टेगमेटा बोला जाता है. ब्लो लेम्स जो है किसको किल करने के लिए यूज किए जाते हैं, बुली एफिड्स. क्या बताया था, बी फॉर ब्लो, डब्ल्यू फॉर बुली. चलो जी, द टर्म इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट बार्लेट ने दी थी, ये हो चुका है भाई. निम्फ टर्म जो है किसके लार्वा के लिए यूज होता है, बग्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड, सबके लार्वा के लिए यूज होता है. नीला पर्वता जो है किसका नाम है, ब्राउन प्लांट हॉपर का नाम है. काइटिन जो है एक पॉलीसेकेराइड है. इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है. लास्ट में आपका क्विक रिवीजन रहता है, यहां पर आप अपने दिमाग को टटोलो कि क्या आपने कल का एनालाइज किया था, क्या आपको ये लास्ट के सारे क्वेश्चंस आते थे. तो नए क्वेश्चंस को फिर से एक बार पढ़ लेना, पुराने क्वेश्चंस को देख लेना कितने आए कितने नहीं. और इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है पढ़ाई वाला कंप्लीट होता है. ओके सुबह, आप में से कोई भी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो आपको मैं बता दूं बेटा, हमारे जो कोर्सेज हैं, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर महापैक जो लेते हो आप, वो वन टाइम सब्सक्रिप्शन है. एक साल के लिए अगर आप एग्रीकल्चर महापैक ले लेते हो तो अगले आने वाले एक साल में जितने भी एग्जाम है उनकी तैयारी आपको करवाई जाएगी. ठीक है, आप जैसे टीवी की एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हो ना, उसके बाद आपको कभी रिचार्ज नहीं कराना पड़ता एक साल तक, या कभी कभी जियो में भी होता है एक बारी में रिचार्ज करा लिया, बिल्कुल वैसा ही
ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, नबार्ड, फसाए, एएफओ, आरएओ, क्रिबको, सबके लिए है, ठीक है। इसमें आपको 500 आवर्स प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, इसमें आपको मोर देन 2000 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, इसमें आपको 4000 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगी, पुरानी भी मिलेंगी, लाइव भी मिलेंगी, इसमें 564 ई बुक्स आपके पास रहेंगी और इसकी वैलिडिटी जो है 1 साल तक रहेगी, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो आप कोड यूज कर सकते हो Y781A, अभी आपको 80% पे ये ऑफ मिल जाएगा। ये कोड यूज करते ही आपको 80% ऑफ पे एग्रीकल्चर महापैक में आप एनरोल हो जाओगे और इसके साथ ही आपको सारे नोट, सारी बुक्स, सारे जो जितने भी एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर मैं बात करूं अपने प्यारे फाउंडेशन बैच की, तो ये बेटा ये जो उड़ान बैच है, यहां पर आपको मेरे द्वारा कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो बेटा कॉन्सेप्ट में आपको सारे नोट्स मिलेंगे, टेलीग्राम पर भी मिलेंगे, ऐप पर भी मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। आपकी ये क्लास शाम को 4 से 5 बजे लाइव होगी। बाय चांस आप लाइव नहीं देख पा रहे हो तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे विद प्रॉपर नोट्स, स्ट्रेटजीज, ट्रिक्स एंड एवरीथिंग। अगर आप एग्रीकल्चर महापैक लेते हो, आपको उसमें उड़ान तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ आगाज भी मिलेगा, संकल्प भी मिलेगा, आपकी आरएओ की तैयारी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में कराई जाएगी, यूपी ट्रिपल एससी की टीए की तैयारी कराई जाएगी, एएफओ की तैयारी कराई जाएगी और नबार्ड की तैयारी। इसके साथ साथ एक फसाए फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो है हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो है हम लेकर आ रहे हैं, तो वो जो है बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। उसमें हम फूड के, फूड टेक्नोलॉजी के, फूड केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट मी टेल यू कि जो वीडियो आप देख रहे हो बेटा, उस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा ऐप का लिंक, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेंगे कुछ क्वाइंस जो आप यूज कर सकते हो। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में ही, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे बैच का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। सो यहां पर आप जो वीडियो देख रहे हो बेटा, इस वीडियो पे आपको यहां पर शो मोर पे जाना है। यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहले उड़ान की प्लेलिस्ट है, जहां पर आप यूट्यूब में हुई 35 वीडियो, ठीक है, आज 36 वीडियोस जो है इसमें देख सकते हो, पिछली किसी का कुछ रह गया है। देन उड़ान बैच आप यहां से ले सकते हो, एस बुक कॉम्बो Volume 1 and Volume 2। अगर आपको एक प्रॉपर नोट्स चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी है, तो आपके आप हमारा एस बुक एग्रीकल्चर की Volume 1 और Volume 2 जो है इस पर क्लिक कीजिए ऐसे, और यहाँ पे आपका लिंक खुल जाएगा, आपको होम डिलीवरी हो जाएगी इन बुक्स की। बेटा जो भी आपको बुक्स लेनी है उसके लिए आपको कोड यूज करना है Y781S, ठीक है। अगर ये आपको 580 रुपीज में 2 बुक्स मिल जाएंगी और इसमें एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट्स हैं विद प्रॉपर टेबल्स एंड विद प्रॉपर एमसीक्यूज एंड ऑल कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पिटिटिव स्टडीज, ठीक है। सो मात्र 580 में आपको 2 बुक्स मिलेंगी एग्रीकल्चर के सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और देखें तो ये मेरा उड़ान का बैच है, इस लिंक पे क्लिक करोगे आप मेरे फाउंडेशन बैच पे पहुंच जाओगे, यहाँ पर बाय नाउ करना है, 80% ऑफ चला है Y781A, तो Y781A को आप एंटर कर दोगे, 639 में आप इस बैच में एनरोल हो सकते हो और रोज मुझसे सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हो। हम बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे और फिर उन नोट्स को जो है रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है मैं बता रही थी एग्रीकल्चर महापैक, एग्रीकल्चर महापैक में आपको सारी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, वीडियो सब कुछ मिलता है। अभी ये 80% पे ऑफ चला है, देखो 31 का नहीं है, Y781A अगर आप लगाओगे तो ये आपको 6399 में पड़ जाएगा। सो 6000 इज फॉर 1 ईयर, ठीक है, इट इज टू लेस टू एनरोल, 80% ऑफ चला है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, आप जल्दी से एनरोल कर सकते हो, फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी 1 साल तक जो भी जितने भी एग्जाम होंगे, फसाए, एएफओ जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो सब की तैयारी जो है हम आपको करवाएंगे, ठीक है। सो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। फाइनली हैव अ नाइस बचा हुआ जो भी टाइम है आज के दिन का, और अच्छे से रिवाइज करना, एनालाइज करना चीजों को, कल हम नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे, और दैट्स इट, बाय बाय।